दोस्तों, क्या वजह थी जो भारत की सबसे ताकतवर मुगल सल्तनत का खात्मा हो गया? 1552 से लेकर सन 1707 तक दुनिया में सुपर पावर रही मुगल सल्तनत का खात्मा आखिर सन 1857 को हो गया। तत्कालीन मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद मुगल सल्तनत के शहजादों में आपस में जंग शुरू हो गई। आलमगीर बादशाह की वफात के बाद उनके पास कोई ऐसा शासक था ही नहीं जो मुगल सल्तनत को अपनी नीतियों से चला सके। और दूसरी तरफ इस बात का फायदा उठाते हुए मुगल सल्तनत के सूबेदारों और जमादारों ने मुगल सल्तनत के सूबे अपने अपने अधीन कर मुगल सल्तनत से बगावत शुरू कर दी और इसी के चलते मुगल सल्तनत कमजोर होना शुरू हो गई। 12 मई 1739 को मुगल सल्तनत के सबसे कमजोर शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने ईरान शाह नादिर शाह से जंग में बुरी तरह हारकर बची कुची सल्तनत को भी खत्म करवा दिया था और मुगल सल्तनत का परचम सिर्फ दिल्ली तक सीमित होकर रह गया।